दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग की अद्भुत क्षमता से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे और इन्हीं में से एक थे डॉक्टर थॉमस हार्वे, जिन्होंने आइंस्टीन के मरने के बाद उनकी आंखें और दिमाग को निकाल लिया था। हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग के कई हिस्से करके दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट के पास शोध करने के लिए भेज दिया और रिसर्च में ये बातें पता चली कि आइंस्टीन के दिमाग में ग्लायल सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये सेल्स दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें नरिश करने का काम करते हैं। इन सेल्स की वजह से आइंस्टीन के दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच होने वाले कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग थे। साथ ही दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले कॉर्पस कैलोसम की मोटाई भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी लॉजिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का तालमेल बहुत अच्छा था। आइंस्टाइन के ब्रेन का लेफ्ट पैरिटल लोब नॉर्मल से 20% ज्यादा बड़ा था। दिमाग का यह हिस्सा मैथमेटिकल और लॉजिकल स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी वजह से ही आइंस्टीन जटिल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। आइंस्टाइन के ब्रेन में नॉर्मल ब्रेन से ज्यादा फोल्ड्स थे और उनके दिमाग में लाइपोफ्यूशन नाम का पिगमेंट नहीं पाया गया था, जिसका मतलब ये है कि उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनका दिमाग बूढ़ा नहीं हो रहा था।